हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा था कबीर के पद कविता कबीरदास जी द्वारा रचित, उसमें पद्यांश के अर्थ आपको जो है लिखवाने जा रहे हैं और हम फोटो भी आपको सेंड कर देंगे। देखिए, सबसे पहला हम तो एक एक सेकंड चलेगा इसमें। हमने पद्यांश में समझाते समय दो ही पद्यांश समझाए थे, ये दोनों के एक करके समझा दिए थे और ये अकेला था, है ना। लेकिन अब यहाँ पर लिखते समय आपको तीन पद बनाना है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। सेकंड में संतो देखत और तीसरे में टोपी पहरे, है ना। हम इसको जो है फोटो भी खींचकर भेज देंगे, तो पहले आप लोग वैसे ही वीडियो सुन लीजिएगा, उसके बाद जब वो फोटो भेजेंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको डालना है पहली पंक्तियों में हम तो एक एक, है ना। संदर्भ रहेगा हमारा, हमारी प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के चैप्टर नंबर एक कबीर के पद जो है कविता से ली गई है और इसके कवि जो है कबीरदास जी है। अब इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी जगत एवं ब्रह्मा दोनों को पृथक न मानते हुए, पृथक मतलब अलग न मानते हुए, उन्हें एक ही परम तत्व अर्थात परमात्मा की सत्ता के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। कि मतलब पर आत्मा और परमात्मा क्या है, एक ही है, है ना। अब व्याख्या लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने तो यह जान लिया है कि ईश्वर एक ही है, उन्होंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है और जो लोग उस परम तत्व के आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्मा आदि अलग अलग अस्तित्वों को मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा के मर्म को नहीं जाना है। ऐसे लोगों के लिए यह संसार नरक के समान है। मतलब जो आत्मा और परमात्मा को, जीव और ब्रह्मा को अलग अलग मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह संसार क्या है, नरक के समान है। कबीरदास जी ईश्वर की अद्वितीयता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही ज्योति अर्थात प्राण तत्व सब में समाया हुआ है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से सभी बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार भिन्न भिन्न हो, उसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य के शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से ही किया है, भले ही उनके आकार प्रकार या स्वरूप भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कबीर अपने मत की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी में निहित अग्नि तत्व अर्थात प्राण तत्व को वह नहीं काट सकता, उसी प्रकार परमात्मा के सभी मनुष्यों में समाये होने के कारण आत्मा अमर एवं अकाट्य है। फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य संसार के माया जाल में फंसा हुआ है। वे उसे समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस झूठी माया पर क्यों अहंकार करता है, तुम्हें किसी बात पर अहंकार नहीं करना चाहिए, यह अहंकार क्या है, निरर्थक है, है ना। अब उसके बाद आगे देखिए, फिर से पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य माया अर्थात सांसारिक आकर्षणों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, वे निर्भय रहते हैं, यानी उनको किसी प्रकार का डर नहीं रहता, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। ठीक इसी प्रकार कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं, उन्हें अब कोई भय या डर नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम पूर्ण रूप से है। अब काव्य सौंदर्य में आ जाइए, काव्य सौंदर्य में लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट में, यहाँ पर हमने जितना टिक किए हैं आपको उतनी ही चीजें करना है ना। पद्यांश के अर्थ बड़े तो होंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा साहित्यिक हिंदी के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि सबको हिंदी की एक सी बुक लग रही है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते वो अर्थ आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कबीर ने तात्विक रूप से आत्मा एवं परमात्मा को एक ही माना है। सेकंड में लिखेंगे, एक एक में यमक अलंकार है, है ना, जिसमें एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है एक, है ना, एक जो संख्या की गिनती। फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे, उदाहरण अलंकार दर्शनीय है। चौथे में लिखेंगे, यहाँ प्रयुक्त खाक शब्द पंच तत्वों के लिए तथा कोहरा अर्थात कुम्हार शब्द ईश्वर के लिए आया है ना। अगला है, भाषा क्या है, सधुकड़ी है ना। अब आ जाइए अपना सेकंड चैप्टर, मतलब सेकंड जो है पद्यांश, संतो देखत दस लगा के भुलाना तक। इसमें देखिए, इसमें सीधे संदर्भ में पूर्वानुसार लिखेंगे, कॉपी में अपने एग्जाम कॉपी में नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, कबीर ने इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में मौजूद पाखंड एवं बाह्य आडम्बरों पर प्रहार किया है, यानी जो ढोंग ढकोसले करते हैं उन पर प्रहार किया है। देखिए अर्थ लिखिए,
व्याख्या में कबीर लोगों को बाह्य आडंबर के वशीभूत होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयासरत होने के कारण कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है। सीधा भी लिख सकते हैं पर कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है, उसकी मति माने बुद्धि मारी गई है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, लोगों को वास्तविकता से परिचित कराता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो व्यक्ति झूठ बोलता है, लोगों को सत्य से गुमराह करता है, लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे कबीर हिंदू धर्म से जुड़े पाखंडी ढोंगियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो नियमबद्ध होकर धार्मिक परंपराओं का बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हुए प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपने आत्मा को तो हर पल हर दिन मारते हैं, उसका हनन करते हैं, लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ पूजा करते हैं। पैराग्राफ फिर से चेंज करेंगे, लिखेंगे वे आत्मचिंतन नहीं करते, उन्हें अपने ज्ञान का पर घमंड है, परंतु वे अज्ञानी हैं। मुसलमानों के विषय में कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर एवं औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह के रहस्य को नहीं जानते हैं। पैराग्राफ फिर से चेंज करेंगे, लिखेंगे कबीर ढोंगी योगियों पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर अवश्य बैठे हैं, किंतु उनके मन में अहंकार भरा हुआ है। अब आगे लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में फर्स्ट पॉइंट रहेगा प्रस्तुत पद में धार्मिक बाह्य आडंबर व ढोंगी धर्म गुरुओं पर करारी चोट की गई है, है ना। सेकंड में लिखेंगे ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज साधन पर बल दिया गया है, और थर्ड में लिखेंगे भाषा सदुकड़ी है। अब अपन आ जाएंगे तीसरे नंबर का जो पद है, टोपी पहिरे डरदस लगा के लिखेंगे समानतर। इसमें संदर्भ भी वही रहेगा और प्रसंग भी वही रहेगा, है ना। जब हम फोटो भेजेंगे तो क्रॉस करके भेज देंगे, आप लोगों को सीधे संदर्भ प्रसंग के प्रसंग में पूर्वत डालना है या पूर्वानुसार डालना है, सीधे व्याख्या लिखना है तीसरे नंबर पे, है ना। देखिए व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल के वृक्षों में पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने अहंकार में परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं और शरीर में अनेक निशान बनाते हैं। यह सब अपने ज्ञानी होने का दिखावा करने के लिए करते हैं, जबकि वास्तव में ये सब अज्ञानी है, पाखंडी है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि धार्मिक बाह्य आडंबरों को अत्यधिक महत्व देने वाले संत साखी या शब्द अर्थात गुरु के सद्वचनों को भूल गए हैं। इन्हें ना तो स्वयं का ज्ञान है और ना ही परमात्मा का। हिंदू या मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते हैं। हिंदू राम को अपना प्रिय मानते हैं तो मुसलमान रहीम को। राम और रहीम के नाम पर दोनों समुदाय अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताते हैं। उस परम ब्रह्म को जाने बिना दोनों समुदाय के अज्ञानी लोग आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं। ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र बांटते फिरते हैं, किंतु स्वयं भौतिक सुखों के प्रति लालायित होकर अज्ञान के कारण अहंकार में डूबे रहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे अभिमानी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों के साथ भव सागर में, भव यानी होता संसार और सागर यानी सागर, है ना, संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे, लेकिन उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। पर ब्रह्मा के साक्षात्कार के अभाव में उन्हें सदी हुई पछताना पड़ेगा। ये सब पाखंडी हैं जो माया के भ्रम में सत्य को भूल गए हैं। इन्हें समझाने का कोई भी लाभ नहीं है। पैराग्राफ फिर से चेंज करेंगे, लिखिए सत्य तो यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकते हैं, सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार संभव है। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे साखी शब्दी केति कहो कहा इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है ना। सेकंड में लरी लरी व घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी बार बार दोहराव हो रहा है ना। तीसरे पद में गीता एवं संगीतात्मकता है ना। तो ये हो गया आपका तीनों पद्यांश के अर्थ लिखवा के हम आपको फोटो सेंड करेंगे, और अगला जो है क्वेश्चन आंसर अगले चैप्टर में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।